नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को जान से मारने की धमकी दे दी गई है। जी हां, जान से मारने की धमकी दे दी गई है। और पता है किसने ये धमकी दी है? मध्य प्रदेश के बैतूल में मंगलवार को भीम सेना के प्रदेश प्रभारी पंकज अतुलकर को पकड़ लिया गया है। अतुलकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर SC ST तबके के लिए आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले का विरोध जताते हुए सोमवार को एक पोस्ट किया था और इस पोस्ट में CGI DY चंद्रचूड़ को जान से मारने की धमकी दी थी। पंकज ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के परिप्रेक्ष्य में हमारे महान क्रांतिकारियों ने जिस प्रकार अंग्रेजों और अंग्रेजों के गुलामों को बंदूक फर से और अन्य हथियारों से मारा था, उसी प्रकार मैं पंकज अतुलकर भी आह्वान करता हूं कि मुझे मौका मिलता तो मैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को गुलाम बनाने का फैसला सुनाया है और संविधान का भी उल्लंघन किया है, ऐसे कुटिल मानसिकता वाले समानतावादी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को मार गिराऊंगा मैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को कीड़े मकौड़े के जीवन का सामना ना करना पड़े। आप सभी से अपील है कि समाज के लिए लड़ते रहें। पंकज की पोस्ट से दोस्तों हंगामा खड़ा हो गया। जिस तरीके का पोस्ट पंकज के जरिए किया गया, इस पोस्ट पर जब पुलिस की नज़र पड़ी तो चारों तरफ हड़कंप मच गया कि कोई कैसे CGI के खिलाफ इस तरीके से जो है सनसनीखेज फैला सकता है। पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज किया, छानबीन शुरू की, पोस्ट करने वाले की पहचान की और पहचान में पंकज अतुलकर के रूप में जो है इनका पहचान हुआ है। मध्य प्रदेश के बैतूल का निवासी होने की बात सामने आई है। पंकज ने सोमवार को 5 अगस्त सोशल मीडिया पर यह पोस्ट की थी। मध्य प्रदेश पुलिस ने 6 अगस्त को उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड मांगी गई है। कोर्ट ने पंकज को 20 अगस्त तक जुडिशियली रिमांड पर जेल में भेज दिया है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो पोस्ट करने वाला पंकज है, पंकज ने गिरफ्तारी से पहले इस पोस्ट को लेकर मीडिया के सामने अपनी सफाई में भी कहा कि मैंने कोई धमकी नहीं दी है, मेरा वक्तव्य साफ साफ है कि जो महान क्रांतिकारी हुए हैं उन्होंने जैसे भारत को आज़ादी दिलाई थी उसी तारतम्य पर मैं गुलाम बनने वालों को ऐसा किया जा सकता है। कहा है कि इसे धमकी नहीं दिया गया है, मैंने इसे कोई धमकी नहीं दिया है और मुझे कोई मलाल नहीं है। भीम सेना के प्रदेश प्रभारी पंकज अतुलकर की पोस्ट पर करीब दोस्तों कई सारे लोगों ने कमेंट तक किया, लोगों ने लाइक भी किया और इस मैसेज को फॉरवर्ड भी किया। जी हाँ, इसी पंकज के खिलाफ बैतूल गंज थाने में FIR दर्ज की गई है। आपको बता दें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को इस आरक्षण के बारे में अपना फैसला सुनाया था। अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलट दिया। फैसले में कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए ज़रूरी हिदायत भी दी थी। कोर्ट ने इन हिदायतों में कहा था कि राज्य सरकार मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती है। पहले अनुसूचित जातियों के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता है। दूसरी बात ये कि अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले आपकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ का ये फैसला है। इसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है, जिसको लेकर कई पार्टियों में विवाद शुरू हो गया है। कई पार्टी इसके खिलाफ है तो कई पार्टी इसके सपोर्ट में है, जैसे कि चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ है। नीतीश कुमार की पार्टी इस फैसले से खुश है, नायडू भी इस फैसले से खुश है। कई नेताओं का कहना है कि ये गलत है, कई नेता कह रहे हैं ये सही है। अब देखिए ना क्या हो रहा है हमारे देश में, हर दिन कोई ना कोई नफरत फैलाने की कोशिश की जाती है और इस नफरत में
जो लोग हैं जिनको नफ़रत का पाठ पढ़ाया जाता है वो ऐसे ही काम करते हैं। दरअसल इनके दिमाग के साथ बहुत पहले से ही खेलना शुरू कर दिया गया था, टेलीविज़न के माध्यम से, नफ़रती पोस्ट के माध्यम से, और इसका नतीजा है कि आज CGI को भी धमकी मिल रही है जान से मारने की। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हर वो खबर पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।